नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली मोबाइल चार्जर फटने से लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना लापुर क्षेत्र के ग्राम रूपामय उर्फ रमनगला का है, जिसमें निवासिनी प्रवेश कुमारी प्रति स्वर्गीय हेमंत कुमार के घर में बिजली के बोर्ड में लगा मोबाइल का चार्जर फटने से बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में आग लग गई और काफी नुकसान हुआ, जिसमें कूलर, टीवी और एक मोबाइल और 80,000 रुपये पर्स में रखे हुए थे, जो जलकर राख हो गए। और भी छोटा मोटा सामान जल गया है। ग्रामीणों की मदद से बहुत ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और दुर्घटना बढ़ने से रोकी। बदायूं संवाददाता रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। मोबाइल चार्ज हो रहा था, वो फटा है, चार्जर फटा है। कितना सामान मतलब जल गया, क्या क्या जल गया था? 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कूलर, फ्रिज, पंखा वगैरह सब कुछ जले गया। एलसीडी वगैरह जी, 3-4 मोबाइल, 80,000 रुपए रख के पर्स में टंगे हुए थे। 80,000 रुपए जो पर्स में टंगे हुए थे वो भी जले गए।